सर पेशेंट बिठा कर गया है। क्या पेशेंट बिठा कर गया है? मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। ये कौन है? सर ये इस पे बैठते हैं स्टूल पे। वो उधर बैठा हुआ था, बैठ ही गया था, वो तकलीफ हो रही थी, तो और तकलीफ वाली हालत में इसको ले आओ। खुद ही बैठा हुआ था क्योंकि छोड़े आप मुझे इसीलिए ऊपर चेक करते अंदर बैठ जाए सारे इसके ऊपर जनाब की हाल है। किस चीज़ से पेशेंट हो? सांस समझ मन तक नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सेहतमंद है। कोई बेहतर है? 3 दिन हो गया। चार दिन हो गए। ये ना था केस सर है नहीं ऑपरेशन करवाया जी, सिर में दर्द। परेशानी परेशानी तो नहीं थे? नहीं जी परेशानी कोई नहीं, लफाफ डाल दिए। जेल इंतजामिया ठीक? हाँ ठीक है। बिहेव करती है जी? अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। किस बाप रहे सारे जेल ऐसे कोई नहीं सर, सारे पाने का इंतजार है। नहीं भाई पूछो कि सारे जेल के लिए यही एक है। आठ से दो है कि ये कहते हैं 8 से 3 है?
आप कहते हैं 8 से 2 है, अपनी मर्जी का बनाया हुआ आपने? दिन में 8 से 2 ही टाइमिंग मेरी। क्यों जी, ये फिर मैं हूँ पता करवा डिपार्टमेंट सब की टाइम है ज़्यादा 8 से 2 तो थोड़ी गल ठीक है, उन्होंने गल ठीक है। 3 बजे टाइमिंग बस ये जी ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। एमरजेंसी हो जाए या कोई काम शाम हो जाए तो अब सुबह आप 2 बजे 1:30 बजे यहाँ से निकल जाते बच्चों को लेने के लिए, पीछे मरीजों को कौन देखेगा? डिस्पेंसर की ये हैसियत है कि वो डॉक्टर की जगह ले, अपना सेटअप खुद बनाओ पीछे जाना बच्चों को लाने छाड़ने का जाना। ये तरीका तो नहीं है कि आप अपनी जाना नौकरी को जाना बुनियाद के ऊपर जाना सारे मामला करो, ऑफिस टाइमिंग जो आपके हैं उसके मुताबिक आप अपना चलाओ। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? और वो वहाँ पे जाना कैदी को जाना पंजे पे बैठाया हुआ था, क्यों? कैदी को पंजे पे पेशेंट आया हुआ था, वो नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था, वो क्यों बैठा हुआ था? वो सर मुशक्ति एक आध होते हैं क्या आदमी भी, वो मुशक्ति मतलब इंसान नहीं होते तो अगर वो बीमार हुआ तो उसको इस अंदाज से बिहेव करेंगे?